चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। और मैं दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ऐसे रेयरली होता है कि एक फोन आता है जिसके बारे में मैं इतना ज्यादा क्यूरियस हो जाता हूं कि भाई ये कैसे काम करता है। LG Wing इज वन ऑफ दोज फोन्स। अगर मैं कहूं कि कोई ब्रांड ने सही में एक इनोवेशन में एक लीप ले ली है, तो मैं कहूंगा दैट इज LG विद LG Wing। क्योंकि ये फोन आने से पहले मुझे ऐसे लगा भी नहीं था कि ऐसा फोन आ सकता है, बट वो आ गया है, हमारे पास है, उसका करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं आपको, एक और बहुत ज्यादा अच्छी चीज मुझे लगी, सिंपलिस्टिक नाम है इसका LG Wing। यस, राइट अप फ्रंट टॉल फोन लग रहा है, लंबा सा फोन है, एंड मुझे लगा था थिक होगा, ऑब्वियसली डुअल स्क्रीन है, थिक होना चाहिए, बट इतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल कैंडी बार फोन होता है उसी के जैसे लग रहा है, और वैसे ही है। और क्या है बॉक्स के अंदर, 16.2 वॉट चार्जर आता है, ऑलराइट, 16.2 वॉट USB टाइप सी केबल। व्हाट्स इन दिस स्मॉल बॉक्स, ऑलराइट, 3.5mm जैक नहीं है, तो दे हैव गिवन एन अडाप्टर विच इज अ गुड थिंग, बट बैड थिंग इज कि 3.5mm जैक नहीं है इसके अंदर, और आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग एल्स। जी हाँ, केस वगैरह देखते हैं इसके अंदर केस है क्या। ओ, देर इज अ केस, वाओ, ओके, सो देर इज क्विक स्टार्ट गाइड, वाओ, दे हैव ऑल्सो गिवन स्क्रैच गार्ड, दैट्स रियली नाइस, एंड हार्ड केस है, वो भी डाल के देखेंगे। दिस इज द हार्ड केस, गुड क्वालिटी केस, एक सैंडस्टोन फिनिश जैसा है और दूसरा स्मूथ है, सो नाइस केस। लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड दोस्तों, आई एम एक्साइटेड, ऐसे निकालते हैं, ऑलराइट, लुक एट दिस, जी हाँ, प्रीमियम लगता है डेफिनेटली, ऑब्वियसली ग्लास बैक है। और दोस्तों अगर थिकनेस के बारे में बात करूं, इट मस्ट बी अबाउट 12 to 13 mm, या जनरली फोन्स आपके 8, 9, 10 mm के होते हैं, ये जो है मैं कहूँगा 12-13 mm का है। एंड वेट के मामले में इट लुक्स हैवी, इट मस्ट बी अबाउट 230 grams, बट इट फिट्स वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से हाथ में फिट होता है, तो इतना ज़्यादा लगता नहीं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, अगर वेट करूँ इसका तो, ऑलराइट, साजिद ने अभी बताया दोस्तों, इट इज 10.9 mm, विच इज रियली गुड, मतलब दो स्क्रीन हैं इसके अंदर फिर भी 10.9 mm है, सो नॉट बैड, वाओ, 262 grams, वैसे मैंने बताया नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था अराउंड 240 grams होगा, बट 262 grams, इट्स बिल्ड वेरी वेल, इतना मैं कहूँगा। नाउ, नहीं, उसके पहले पोर्ट्स बटन्स की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। USB टाइप सी पोर्ट है नीचे की तरफ, नो 3.5mm जैक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू हैव सिम कार्ड ट्रे, ऊपर आपको पॉपअप कैमरा मिलता है, उसका जो हाउसिंग है वो है उधर, एंड राइट हैंड साइड में नाइस क्लिकी बटन्स, बाय द वे अच्छे बटन्स हैं, ऊपर वॉल्यूम रॉकर है एंड पावर बटन है नीचे की तरफ। और दोस्तों इसका जो सिम कार्ड ट्रे है थोड़ा वाइड लग रहा है मुझे, ऑलराइट, इट इज अ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट। नाउ लेट्स टेस्ट द केस, वो दोस्तों मैं नहीं गिराने वाला हूँ इसे, सॉरी, ये जो केस है वो थोड़ी मुझे डाउटफुल लगती है, बट देर इज़ नो ऑप्शन, क्योंकि अगर ऊपर तक आती थी तो ऊपर की जो स्क्रीन है वो स्विवेल नहीं कर पाती थी, सो ओनली हाफ केस आपको मिलती है। ये देखिए, अगर आप देखोगे सो आई विल से हाफ केस है, लेकिन सिर्फ नीचे वाले फोन के लिए, ऊपर वाले स्क्रीन के लिए केस नहीं है, नहीं, मैं नहीं गिराने वाला हूं। नाउ लेट्स स्विवेल, ओ हो, इजंट दिस नाइस, एक हाथ से कर सकते हैं स्विवेल, यस यू कैन डू इट, ऑल राइट, लुक एट दिस, एक हाथ से बंद नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ओपन जरूर कर पाओगे आप दोस्तों। दिस इज द मोस्ट मैकेनिकल फोन आई हैव सीन, क्यों, क्योंकि आपको, जी हाँ, ऊपर की तरफ पॉपअप कैमरा मिलता है, इसका मतलब वो भी मैकेनिकल है, एंड दिस स्विवेल स्क्रीन, ये भी मैकेनिकल है। ये सब होने के बावजूद दोस्तों मैं ये जरूर कहूंगा, कुडोज टू LG फॉर कमिंग अप विथ दिस काइंड ऑफ अ डिजाइन।
चलिए दोस्तों, टाइम टू स्टार्ट द फोन एंड देखते हैं अंदर एक्चुअली ये स्विवल स्क्रीन जो है कितनी यूजफुल है। लेकिन दोस्तों, आपको अगर हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है लाइक करना मत भूलिए, अच्छी नहीं लगती है नो प्रॉब्लम, गो डाउन एंड टेल अस इन कमेंट्स क्यों नहीं अच्छी लगती है, वी विल इंप्रूव इट फॉर यू एक घंटे के अंदर। यस, ऑल राइट, लुक एट दैट कर्व्ड स्क्रीन दोस्तों, लंबी स्क्रीन है, टॉल स्क्रीन है, कर्व्ड स्क्रीन है, पी ओलेड स्क्रीन है। जी हाँ, ये जो फुल स्क्रीन है बड़ी वाली वो पी ओलेड है, और ये जो हाफ स्क्रीन है नीचे वाली वो है दोस्तों जी ओलेड, बट बोथ ऑफ देम आर ओलेड स्क्रीन। ऑलराइट, समथिंग इंटरेस्टिंग जस्ट पॉप्ड अप। तो दोस्तों, अगर टोटल स्क्रीन रियल एस्टेट के बारे में बात करूं तो बड़ी जो स्क्रीन है वो 6.8 इंच की FHD प्लस स्क्रीन है, और जो छोटी वाली स्क्रीन है दोस्तों दैट इज 3.9 इंच, दैट इज आल्सो एन FHD स्क्रीन। राइट अप फ्रंट दोस्तों, स्विवेल के बारे में बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना है। बहुत सारे यूज केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कुछ देर तक इस्तेमाल कर रहा था, ऊपर मैं वीडियोज देख रहा था दोस्तों, जी हाँ, और नीचे मैं ब्राउज कर रहा था आर्टिकल्स वगैरह। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस स्विवल स्क्रीन के साथ कर पाओगे। नीचे कुछ टाइप करना है, मैसेजेस वगैरह करने हैं, एट द सेम टाइम मूवी आप देख रहे हो तो आप कर पाओगे। सो मल्टीटास्किंग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो, यू आर एक्चुअली गोइंग टू लव। इनफैक्ट आई विल गो वन स्टेप फर्दर, मैं ये कहूँगा कि फोल्डेबल फ़ोन से भी ज़्यादा यूटिलिटी के मामले में मुझे ये स्विवल स्क्रीन ज़्यादा अच्छी लगी। जी हाँ, इट इज़ इन माई व्यू मोर यूजफुल देन अ फोल्डेबल फोन। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा एक्चुअली में मुझे कितना यूज होता है इस स्विवल स्क्रीन का, बट अपफ्रंट फर्स्ट इंप्रेशंस वेरी यूजफुल। लेकिन दोस्तों, स्विवल स्क्रीन जो है उसके खुद के डिसएडवांटेजेस भी हैं। जी हाँ, एक तो यू नो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ऑल्दो LG ने कहा हुआ है कि 200,000 बार उन्होंने ये स्विवल्स टेस्ट किए हुए हैं, बट फिर भी आई डोंट नो, मुझे सुनाई दे रहा है, ये देखिए ये थोड़ा मुझे, सो आई रियली डोंट नो कि ये कितने दिन तक चलेगा, नीचे गिर गया तो और कुछ होगा, एंड आफ्टर ऑल इट्स अ मैकेनिकल थिंग तो आपको पता है, बट स्टिल आई स्टिल लाइक इट। चलिए क्विकली बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये आता है Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर पे। जी हाँ, ये 5G प्रोसेसर है, 4000 mAh की बैटरी है, विच आई थिंक इज लो, क्योंकि दो स्क्रीन्स को आपको पावर करना है दिन भर के लिए, और कोई अगर बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करेगा तो 4000 mAh की बैटरी मेरे हिसाब से पूरे दिन तक जाना मुश्किल है। एंड 16.2 वॉट चार्जर है, विच अगेन थोड़ा फास्ट होता, ज़्यादा अच्छा होता। याद रखिए दोस्तों, इसकी जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड 70,000। यस, उस हिसाब से सब कुछ देखना है हमें। वैसे दोस्तों, एक ही रैम वेरिएंट आता है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका कैमरा ऐप, दैट स्विवल स्क्रीन की वजह से फुल स्क्रीन आपको दिखता है। लुक एट दिस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और अगर कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 13 मेगापिक्सल का जो है वो है अल्ट्रा वाइड, आगे आपको पॉपअप सेल्फी के अंदर मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेंसर। सो ऑन पेपर डिसेंट कैमरा स्पेक्स। वैसे दोस्तों, आप पूछोगे कि ये जो तीसरा वाला सेंसर है 12 मेगापिक्सल, वो किस लिए है? वो भी अल्ट्रा वाइड है, लेकिन इट हैज गॉट अ स्पेसिफिक यूज दोस्तों, गिम्बल। जी हाँ, आप जब गिम्बल ये फीचर चालू करते हो तो आपका हाथ कितना भी हिलने दीजिए दोस्तों, बहुत ही स्टेबल वीडियो आएंगे। और हमने ट्राई किए, लिटरली मैंने ऐसे घुमाया एंड स्टिल वीडियो वॉज वेरी स्टेबल, तो आपको बहुत अच्छा वीडियो स्टेबिलाईजेशन मिलता है इसके अंदर। वैसे और एक इंटरेस्टिंग फीचर है बोथी, या कौन से फोन में था नीचे बताइए कमेंट्स में, बोथी इस नाम का फीचर किस फोन में था। वैसे इसमें भी है, आगे और पीछे के कैमरास दोनों भी आप एक ही टाइम पे इस्तेमाल कर पाओगे। दोस्तों, अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं, ऑब्वियसली 70,000 का फोन है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, बट फेस अनलॉक इज मिसिंग, और मुझे लगता है द रीजन इज बिकॉज ऑफ दैट पॉपअप कैमरा। जी हाँ, उसको थोड़ा टाइम लगता है नीचे जाने के लिए, ऊपर आने के लिए। मैंने बहुत सारे पॉपअप कैमरा वाले स्मार्टफोन्स देखे, दिस वन इज स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड। चलिए कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आते हैं। एक तो 5G है सबसे पहले, 4G डुअल 4G वोल्टी आता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.1 है, वाईफाई 6.0 है,
एनएफसी भी आपको मिलता है, सो नथिंग शॉर्ट ऑन कनेक्टिविटी। दोस्तों सार वैल्यू जो है विद इन लिमिट्स है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, जी कैम का मतलब कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट है, तो जी कैम का पोर्ट आप इस्तेमाल कर पाओगे। और हाँ, IP54 का भी सर्टिफिकेशन है, विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये ऐसे मैकेनिकल है और स्वेल होती है, पानी में वगैरह चला गया, अंदर पानी चला गया, तो फोन बंद नहीं होना चाहिए। सो IP54 इज देयर। दोस्तों अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो वीडियो व्यूइंग एक्सीलेंट, व्हाट कलर्स, व्हाट ब्यूटीफुल कलर्स, मतलब वीडियो वगैरह आप देखोगे, 6.8 इंच की स्क्रीन है, पतले बेजल्स हैं, कर्व्ड स्क्रीन है, मजा आएगा आपको वीडियो देखने में। और अगर ऑडियो के बारे में बात करूं तो डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं, जो मैं कहूंगा ठीक ठाक है, एवरेज क्वालिटी। एक चीज लेकिन मल्टीमीडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो बता दूं दोस्तों, 3.5mm जैक होना चाहिए था, LG अभी तक था जो रखता था 3.5mm, उन्होंने भी निकाल दिया। दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, एंड यू नो आई हैव गॉट मिक्स्ड फीलिंग्स हियर, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। क्यों? क्योंकि 765G है इसके अंदर। दोस्तों 70,000 का फोन अगर आप ले रहे हो, जी हाँ, इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ ग्रेट थिंग्स, दो स्क्रीन्स हैं, स्विवेल स्क्रीन है, सब कुछ अच्छा है, बट 765G क्यों? अगर 865 होता तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा होता, बट अगर आप हैवी चीज़ें वगैरह नहीं करते हो, देन 765G शुड बी मोर देन इनफ फॉर 90% ऑफ द टास्क। जी हाँ, हैवी ऐप्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, नॉर्मल गेम्स वगैरह खेलते हो, इवन हैवी गेम्स खेलते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, हाई सेटिंग्स पे आप आराम से खेल पाओगे, बट ओनली थिंग इज इट इज़ नॉट फ्लैगशिप प्रोसेसर, इट इज़ स्लाइटली लोअर। सो फाइनली क्या लगता है मुझे इस फ़ोन के बारे में? आई लव इट, I'm not joking, I love it, and जैसे मैंने कहा, full marks to LG for coming up with something like this. मतलब इसी की वजह से innovation होता है. This definitely I'll say is a standout phone of 2020, at least when it comes to design. Definitely दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन अगर मैं normal usage के बारे में बात करूँ, जो regular आप और मैं जैसे लोग हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा multitasking करते हो, you can go for it. अगर आपको 8 सीरीज का प्रोसेसर वगैरह नहीं चाहिए, एकदम हाई एंड परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट अगेन इट इज 70,000, तो यू नो इट हैज गॉट प्लसेस एंड माइनसेस। अगर आपको दिखाना है लोगों की आंख आपके पास देखने चाहिए जब आप फोन पे बात कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, डेफिनेटली दिस इज फॉर यू, क्योंकि जब आप ये स्विवेल करोगे, लोग आपके पास देखेंगे, आपको पूछेंगे कि भाई कौन सा फोन है, तो उतने जो चीज है दोस्तों वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। रेस्ट एवरीथिंग इज डिसेंट, मतलब डिस्प्ले वगैरह अच्छा है, कैमरा भी मैं कहूँगा जितने भी फोटोज वगैरह हमने निकाले ठीक ठाक आए हुए, नॉट द बेस्ट, नॉट द वर्स्ट, ओवरऑल आई डोंट नो, वेरी कन्फ्यूजिंग हियर। मैंने रिकमेंड करना चाहिए या नहीं? इफ यू लाइक सुवेल फोन्स, इफ यू वॉन्ट डुअल स्क्रीन, गो फॉर इट, अदरवाइज नो। एट द सेम टाइम दोस्तों मुझे ये भी लगता है कि फोल्डेबल फोन्स जो आजकल 1-1.5 लाख तक है, ये आपको उससे ज़्यादा यूटिलिटी देता है, एंड स्टिल इट कॉस्ट लेस, तो उधर उसको प्लस पॉइंट्स डेफिनेटली है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, आई विल कीप स्विवेलिंग, एंड बी सेफ।